रामायण में सीता हरण की घटना कुछ इस प्रकार घटित हुई। रावण के कहने पर एक राक्षस मारीच ने हिरण का रूप धारण कर लिया और वो सोने का हिरण बन गया और वो जाकर राम की कुटिया के सामने घास चरने लगा, क्योंकि वह एक अद्भुत सुनहरा था। तो उसको देखकर सीता बोली, अरे वाह सुनहरा हिरण, इसने तो मेरा मन ही मोह लिया है। प्रभु, क्या वो सुनहरा हिरण आप मुझे लाके दे सकते हैं? सुनहरा हिरण? मुझे लगता है कोई मायावी शक्ति है, मैंने ऐसा हिरण कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, इसने तो मेरा मन ही मोह लिया है। देखो कितना अद्भुत सुनहरा हिरण है, मुझे तो ये ही हिरण चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या आता हूँ। लक्ष्मण भैया, मैं तुम्हारी मैया गई हूँ सुनहरा हिरण लेके आता हूँ। तुम जब तक अपनी मैया को छोड़ के कहीं मत जाना। ओके। लक्ष्मण सीते मुझे बचाओ। लक्ष्मण, तो प्रभु राम की ही आवाज है, जाके उनकी रक्षा करो। ये मेरा आदेश है कि जाके उनकी रक्षा करो। नहीं नहीं माते, ये प्रभु राम की आवाज नहीं है। वो तो खुद में इतनी शक्तिशाली है, वो किसी मुसीबत में नहीं फंस सकते। जो आ गए माते, मैं जाता हूँ, पर मैं लक्ष्मण रेखा बना के जा रहा हूँ। आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत निकलना, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर और राक्षस का पैरा है। सब कुछ मेरे योजना के अनुसार हो रहा है, अब मुझे राम के पड़कुटी जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। देवी के सासु महाराज अपनी इच्छा को पूरे। मेरा घोर अपमान हुआ है, अगर मैं इस कुटिया से भिक्षा लूंगा तो मेरे कलयुग का अपमान होगा। मैं यहाँ से भिक्षा नहीं लूंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं साधु महाराज, मेरी कुटिया से बिना भिक्षा लिए मत जाइए। लक्ष्मण ने तो मुझे मना किया था, लेकिन साधु महाराज के लिए मुझे जाना ही होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं लक्ष्मण रेखा से बाहर आती हूँ। लक्ष्मण